29 मार्च 2019 दिन शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा विजय संकल्प पिछड़ा वर्ग मोर्चा सम्मेलन कृषक इंटर कॉलेज भवरी चित्रकूट में संपन्न हुआ। बता भी चले कि कृष्णा वर्ग मोर्चा सम्मेलन के तहत आज मोदी सरकार की योजनाओं को जनता के सामने उजागर किया गया और बताया गया कि इन 5 सालों में हमारी मोदी सरकार ने आम जनता को और गरीबों को क्या क्या लाभ पहुंचाया और जमीन पर क्या क्या योजनाएं लाए और किस तरह से देश का विकास की और देश को आगे बढ़ाए, चाहे वो रोड हो या लाइट हो या किसानों से संबंधित योजनाओं हो। इस तरह मोदी सरकार की योजनाओं को बताते हुए 2019 लोकसभा चुनाव में फिर से प्रधानमंत्री मोदी को बनाने के लिए लोगों से अपील की। पिछड़ा वर्ग मोर्चा सम्मेलन में मुख्य अतिथि पशुधन मत्स्य राज्य संपत्ति नगर भूमि राज्य मंत्री श्री जय प्रकाश निषाद जी, चित्रकूट बांदा सदर विधायक श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष बाबूलाल पटेल, लोकसभा संयोजक बाल मुकुंद शुक्ला, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे, गो सेवा प्रदेश सदस्य भोले सिंह, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा महामंत्री रूपेश पटेल आदि समस्त पार्टी के लोग उपस्थित रहे। पहुंचे आज ग्राम पंचायत भौरी जुजिया चित्रकूट ब्लॉक मानिकपुर के अंतर्गत, जहां पर आज विजय संकल्प पिछड़ा वर्ग मोर्चा सम्मेलन का समारोह रचा जा रहा है, जहां पर श्री मुख्य अतिथि माननीय श्री जय प्रकाश निषाद जी, जो पशुधन मत्स्य संपत्ति नगर भूमि राज्य मंत्री जी है, वो यहां पर पधारे हुए हैं। तो समय उन्होंने फिक्स किया है 2022 तक इस देश के प्रत्येक गरीब का घर के अंदर पक्की छत होगी, किसानों को सम्मान राशि मिली, किसानों के घर ये जहां पर भारी जिन से लाभ उमड़ा हुआ है इस समारोह में, जहाँ हरी जिन शराब उन्हें दूर दराज से आए हुए यहाँ पे लोग जो है भारी जिन शराब उमड़ा हुआ है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी।